आगामी 14 नवंबर को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर नाहन विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री करोड़ों रुपए की योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री द्वारा नाहन विधानसभा के सतीवाला में करीब 100 करोड़ की विभिन्न योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए जाएंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। नाहन में मीडिया से बात करते हुए विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि यह पहला अवसर होगा जब मुख्यमंत्री एक साथ बड़ी संख्या में क्षेत्र को सौगातें देंगे। बिंदल ने कहा कि इस दौरान कई सड़कों पुलों के उद्घाटन व शिलान्यास के अलावा कई स्वास्थ्य संस्थान उद्घाटन शिलान्यास भी करेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मेडिकल कॉलेज नाहन में बने ऑक्सीजन प्लांट व सीटी स्कैन मशीन का शुभारंभ भी करेंगे। हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का एक दिन का प्रवास नाहन विधानसभा क्षेत्र में 14 नवंबर को होने जा रहा है। प्रातःकाल 9:30 बजे नाहन विधानसभा क्षेत्र के सतीवाला में और बड़ी संख्या में उद्घाटन और शिलान्यास किए जाएंगे। यह पहला अवसर होगा जब इतनी बड़ी राशि के और इतनी बड़ी संख्या में शिलान्यास और उद्घाटन एक ही स्थान पर माननीय मुख्यमंत्री जी करने वाले हैं। इलाका वासियों को बधाई देते हैं। अनेक पुलों का शिलान्यास, अनेक सड़कों का उद्घाटन, स्कूलों के भवनों का उद्घाटन, स्कूलों के भवनों का शिलान्यास, हेल्थ के सब सेंटर, हेल्थ के प्राइमरी हेल्थ सेंटरों का उद्घाटन और शिलान्यास। ये एक ऐसा अवसर होगा जब नेचर पार्क का उद्घाटन लोकार्पण होगा और उसके साथ मेडिकल कॉलेज के अंदर बने हुए अत्यंत महत्वपूर्ण ऑक्सीजन प्लांट का इनॉग्रेशन लोकार्पण भी होने वाला है। हमारे मेडिकल कॉलेज के अंदर सीटी स्कैन की नई मशीन लग गई है और हमारा प्रयास है कि उस दिन तक वो सीटी स्कैन मशीन शुरू हो जाए ताकि उसका भी लोकार्पण उस दिन हो। स्वास्थ्य की दृष्टि से, सड़कों की दृष्टि से, पेयजल की दृष्टि से, सिंचाई की दृष्टि से और पुलों की दृष्टि से अनेक मामलों में यह अत्यंत महत्वपूर्ण समय होगा। मैं इलाका वासियों को आपके माध्यम से बधाई देता हूं और प्रातः 9:30 बजे हमारे सतीवाला में सबको आमंत्रित भी करना चाहता हूं।